जन सरोकार मंत्र टोंक एवं देवेंद्र जी जोशी जी का मैं आभार व्यक्त प्रकट कर रहा हूँ। सबसे पहले जिन्होंने मुझे आज दूसरी बार अवसर दिया है बोलने का, और अन्य सभी साथियों जो सुन रहे हैं उनके सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज जो मुझे कहा गया है कुछ से किससे कुछ कहानियाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक तरह से विगत की मेरी जो स्मृतियाँ हैं उनको पुनः याद करके कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। और इस पर बोलने के लिए मैं सबसे पहले आपको तत्कालीन जो समाज है, जो गांव हमारे थे, हमारा रहन सहन कैसा था, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। आज़ादी के आसपास मेरा जन्म हुआ, और जब मैंने होश संभाला 6-7 साल बाद की जो स्मृतियाँ मुझे स्मरण हो रही हैं, उस टाइम तक जो मेरा हमारा 6 खावट अंचल है ये तीरी गुलामी का शिकार था। और मज़े की बात यह है कि आज़ादी के बाद भी 1947 में देश आज़ाद हो गया था, लेकिन जागीरदारी प्रथा ख़त्म नहीं हुई थी, वो 55 में जाके ख़त्म हुई थी। तो यहाँ का जो समाज है शेखावाटी अंचल, वो तेरी गुलामी के अंतर्गत था। अंग्रेज, फिर जयपुर के राजा, और फिर गांव में छोटे छोटे जागीरदार, तो इस तरह से ये समाज पूरी तरह शोषित था, बेगार ली जाती थी, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। अंधविश्वासों, कुरीतियों, गरीबी से अभिशप्त ये समाज को जब मैंने देखा तो गांव में पूरी तरह कच्चे घर, मिट्टी के कच्चे घर हुआ करते थे, और छान छप्पर से ऊपर उसको छा दिया जाता, और मिट्टी और गोबर से उसकी लिपाई की जाती, और संयुक्त परिवार थे, 2-3 भाई होते, वो भी इकट्ठे रहते, तो एक परिवार कम से कम 10-15 के बीच में 15-20 सदस्य होते थे। और उस टाइम में हर आदमी खेती, जो हमारा एरिया है वो खेती पूर्णतया एक फसली एरिया था और पूरी तरह खेती पर निर्भर था। महेंद्र जी सूरा, नमस्कार जी, आपको देख रहे हैं। तो खेती पर निर्भर था, और ये एक रूटीन था कि 3-4 साल में एक बार अकाल पड़ी जाता था, और अच्छी फसल कोई 2-3 साल में एक बार यूँ होती, 12 महीने के लिए खाने के लिए अनाज हो जाता था, तो ये माना जाता था कि बहुत अच्छी फसल हो गई है। खाने भर के अनाज हो जाता, उसके बाद में पशु वगैरह रखते थे लोग बाग, तो उनकी आमदनी से वो अपने अन्य खर्चा चलाते थे, साधारण जीवन था, मेहनत करते थे, सब प्रकृति पर निर्भर थे लोग बाग। ऐसे माहौल में पढ़ाई की तरफ ध्यान देना का जो श्रेय है वो मैं समझता हूँ कि तत्कालीन जो सेठ थे उन्होंने शेखावाटी के कस्बों में, यहाँ तक कि गाँवों में भी प्राइमरी स्कूलें खोली थी, जिससे इस क्षेत्र को पढ़ने का मौका मिला। एक आर्य समाज की बहुत बड़ी देन थी, आर्य समाज के लोग गांव-गांव में प्रचार करते थे, उससे जो रूढ़ियाँ थी
पुरानी परंपरा थी, अंधविश्वास थी, अंधविश्वास थे, उनको काफ़ी हद तक ख़त्म करने में एक समझ बनी। दूसरे इस क्षेत्र से फौजी, खास तौर से क्यामखानी, राजपूत और जाट, ये तीन जातियों के लोग फौज में जाते थे, और वो जो पेंशन आए या छुट्टियों में आते तो उन्होंने जो दुनिया देखी थी उसकी चर्चा गांव में करते थे, तो उससे एक समझ मिली। और उसी के कारण यहाँ शेखावाटी में बहुत बड़ा किसान आंदोलन शुरू हुआ और जागीरदारों के खिलाफ लंबा संघर्ष रहा, लोग जेल में गए, और फिर इसको कांग्रेस से मिल गए, और ये आज़ादी के बाद से कांग्रेस में सारे जो स्वतंत्र आंदोलन जो आंदोलनकारी थे वो कांग्रेस में मिल गए, और एक आगे की यात्रा शुरू हुई। पढ़ाई की तरफ रुचि इसलिए थी कि कुछ दो तीन गांवों के बीच में एक स्कूल था, तो कुछ विचार बनता था कि भाई वो लड़का जा रहा था इसको भी भेजो। लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी स्कूल में, बहुत कम, जो शहरों के कस्बों के वो ही जाते थे, गांव में लड़कियां नहीं पढ़ती थी। ऐसे माहौल में मुझे हमारे गांव के निकट है कोलिंडा स्कूल में प्राइमरी स्कूल थी, तो वहां जाने का मुझे कैसे समझ बनी घर वालों की ये मैं कह नहीं सकता। शायद मेरा एक ताऊ का बेटा था वो पढ़ता था, तो उसको देख करके मुझे भी स्कूल में भेजा गया। स्कूल भी छान की थी, कच्ची थी, लेकिन उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बहुत ध्यान दिया जाता था। गांव में तो घर में आकर आने के बाद में तो पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था, घर वाले यूं इंतज़ार करते रहते थे कि कब छुट्टी हो और कब इसको खेत में या ग्वाली के लिए ले जाएं। तो जो कुछ पढ़ाई होती थी उस दौर में वो सब शिक्षक के ऊपर ही थी, और रहन सहन बहुत सादा था, गांव खेती पर सारा निर्भर था, पशु खेती अलग से उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता था, इसलिए घर घर में गाय जरूर होती थी जिससे खाने का एक बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं या पौष्टिक आहार वो मिल जाता था। साग सब्जी बहुत कम बनती थी, जो बनती थी वो खेती में ही होती, जैसे गर्मियों में फोगलिया, खिंपोड़ी में ये सांगरी, कैर ये लगते थे, इनकी सब्जी होती थी, और वर्षा के टाइम में जो ग्वार फली, काचर, मतीरी, इस तरह की जो सब्जी होती उसकी सुकेड़ी भी बना लिया करते थे जो बाद में काम लेते थे। तो इस तरह से पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर समाज था, लेकिन खासियत यह थी कि उस समाज में प्रेम बहुत था। मैंने खुद ने देखा है कि जहाँ अकेला नौरा होता किसी का, पौड़ी होती, तिवारी होती, वहाँ 15-20 आदमी हमेशा रात को बैठते थे और आपस के अपने सुख दुख की बतलावन किया करते थे। उससे आपस की समझ बढ़ती, आपस का प्रेम भाव बढ़ता, जो दिक्कत होती वो एक दूसरे को बताया करते थे और एक दूसरे को सहयोग करते थे। पढ़ने के जहाँ तक है, जो नॉर्मल बच्चे होते थे लगभग सभी, कोई पास हो जाता तो ये मान लिया जाता था कि भाई ये पढ़ाई में होशियार है, फेल नहीं हुआ अभी तक। मैं चौथी कक्षा में जा कर के फेल हो गया था, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो फेल हो गया, और अन्य गतिविधियाँ खेल कूद में इनमें ज़्यादा रुचि रहने लगती थी। नंगे पाँव गांव में घूमना, कहीं खेल तमाशा देखने चले जाना, तो उस टाइम घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि ये फेल हो गया है, काम भी नहीं करता, पढ़ता भी नहीं है, तो ये बड़ी उनके सामने एक चुनौती हो गई। उस दौर में 14-15 साल की उम्र में लड़के का लड़कियों की शादी कर दिया करते थे, और एक कहावत थी उस टाइम
दूध चुंग से बात छड़िए की और स्कूल जाते टाबर की इज्जत होती है। तो स्कूल में अगर कोई जा रहा है तो उसकी ब्याह या सगाई हो जाया करती थी, ये इतना काफ़ी था कि वो स्कूल जा रहा है। शायद यही सोच करके मुझे दोबारा चौथी में फेल होने के बावजूद भी यह सोचा गया कि इसको स्कूल में भेज दो और फिर इसकी ब्याह शादी कहीं रिश्ता है वो तय किया जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो ये गांव में बदनाम हो जाएगा, गांव में घूम रहा है निठल्ला। इस तरह करके मुझे दोबारा स्कूल में भेजा गया और उस टाइम हमारे स्कूल में मंगलचंद जी शर्मा चौमू के थे, वो आए थे, तो उन्होंने मुझे समझाया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद में मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ लगा। पांचवी कक्षा में जैसा कि मैंने बताया घर वालों की चिंता थी, तो पांचवी कक्षा में मेरी सगाई कर दी गई 14 साल और 14 साल की उम्र में सातवीं कक्षा में शादी कर दी गई। और उसके बाद में उन्होंने जैसे समझ लिया कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है, अब ये पढ़े या नहीं पढ़े। उसी दौर में हमारे स्कूल में जो आठवीं की स्कूल बन चुकी थी, जयदेव जी नाम के एक अध्यापक आए हेडमास्टर, उनकी पढ़ने की बहुत रुचि थी, वो किताबें अच्छी किताबें लाइब्रेरी में लाए, दो तीन अखबार मंगवाने शुरू किए, हिंदुस्तान टाइम्स से जो साप्ताहिक हिंदुस्तान है वो मंगाना शुरू किया। तो पता नहीं कैसे मेरा रुझान पढ़ने की तरफ हुआ और फिर मैंने अखबार पत्रिकाएं जो भी वो लाते जयदेव जी वो मैंने सारे पढ़े। उस दौर में वो अधिकांश किताबें राहुल शंकर चैन की, यशपाल जी की, इनकी होती थी प्रेमचंद की। तो ये किताबें, यशपाल की किताबें ख़ास तौर से मुझे बहुत प्रभावित करती थी, सिंहावलोकन और उनका झूठा सत्य जो दो भाग में बड़ा उपन्यास, वो भी मैंने उसी दौर में पढ़ लिया था। क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ने के कारण हम बच्चों का एक गुट बन गया था, कोई अपने आप को भगत सिंह कहता, कोई यशपाल कहता, कोई भगवती चरण, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनता, इस तरह हम अपने आप को उनसे जोड़ते थे। और उस अध्ययन का ये असर पड़ा कि एक बार मैंने बोर्ड पर क्लास में आके और कक्षा में सबसे पहले आया और बोर्ड पर लिख दिया कि क्या सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति हो सकती है। बाद में जयदेव जी का ये पीरियड था, वो आए, उन्होंने पढ़ा, बोर्ड को प्रश्न मिटा दिया और पूछा भाई किसने लिखा है, तो कई देर तक तो कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बताओ ये किसने लिखा है। तो मैंने खड़ा होकर के उनको बता दिया, बताया कि साहब मैंने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने बुरा नहीं माना इस बात का, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पर्ची पर लिख के पूछ लिया करो, बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है, मेरे खिलाफ वैसे भी शिकायतें हैं। और फिर उन्होंने समझाया कि अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सशस्त्र क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है, अब चुनाव, अब वोट के द्वारा सरकार बदली जा सकती है, इसलिए 5 साल में जब भी मौका मिलता है तो वोट के द्वारा सरकार को बदलो। इस तरह की हमारा एक जिज्ञासा और सवाल जवाब चलते रहते थे और जयदेव जी उनका जवाब दिया करते थे। उसी दौर में मैंने एक लेख लिखा जो यहाँ के लोकल अखबार था राहुल, उसमें छपा और पढ़ने की तरफ इतनी रुचि हो गई कि मैं स्कूल से पत्र पत्रिकाएँ किताबें लेकर के रात को लालटेन के साथ रोशनी में देर रात तक पढ़ता रहता। तो उस दौरान घर वालों को चिंता ये हुई कि पहले तो ये खेलता था, बदमाशी करता था, अब हमेशा बाहर घर के बाहर ही नहीं जा रहा है और हमेशा किताबों में पढ़ता रहता है, ये एक दूसरी प्रकार की उनको चिंता हो गई। लेकिन उनको मैंने समझाया कि ये
पढ़ना कोई बुरा नहीं है। इसी इन बातों को देखते इसी माहौल को अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं एक लेख मैंने लेख लिखा था जिसमें हंस में मई 2010 में वो राजेंद्र यादव ने एक शुरू किया था प्रसंग जिन्होंने मुझे बिगाड़ा, तो मैंने लिखा था इस तरह बिगाड़ा मुझे किताबों ने, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो मेरे जो किस्से हैं या उस टाइम का माहौल है मेरा, उसके बारे में आपको पता लगेगा। हंस के कॉलम ने मुझे अतीत में झांकने का अवसर दिया। कह नहीं सकता कि पुस्तकों ने मुझे बिगाड़ा या संवारा, लेकिन तत्कालीन राह से बिल्कुल ही अलग पगडंडी पर चलने को अब से मजबूर पुस्तकों ने किया, क्योंकि पुस्तकों के संपर्क में आने से पूर्व राजू नामक ये किशोर गांव में अव्वल नंबर का आवारा समझा जाता था। गांव में नंगे पैर घूमता, छोरियों के साथ खेलता और अवसर मिलता तो घर से बाजरे की पोटली दुकान पर बेच आता, बदले में लड्डू पेड़ा या गुड़ ले आता और छुप कर खाता। कर्सन की नकल कर दूध दही घी चुरा कर खाता। न स्कूल में जाता न खेत में काम करता। माता पिता को चिंता हुई कि इस आवारा को कौन ब्याएगा। गौतम बुद्ध के समय से ही बिगड़े लड़कों को सुधारने का एक तरीका था, शादी कर दो। इसीलिए राजू की पांचवी कक्षा में पढ़ते समय सगाई कर दी गई और सातवीं में शादी। आयु थी 14 वर्ष। घरवालों को पता लगा कि बीनी बेटे से 1-2 वर्ष बड़ी ही है। माँ अक्सर कहती, बड़ी है तो जल्दी खेती का काम करने लगेगी, इस राजू का भी पेट भर देगी, ये तो कुछ करने वाला है नहीं। 8वीं कक्षा में चमत्कार हो गया। नए प्रधानाध्यापक जयदेव जी आए थे। वे प्रत्येक सप्ताह जिला मुख्यालय की लाइब्रेरी से 5-7 पुस्तकें लाते थे। इनमें प्रमुख थी यशपाल और महापंडित रावल की पुस्तकें। यशपाल की लाल कवर और विपुल प्रकाशन की पुस्तकों ने मुझे रातों रात बदल दिया। अब मैं राजू से राजेंद्र बन गया था। सिंहावलोकन के तीनों भाग और झूठा सच मैंने इसी दौर में पढ़ डाले। राहुल के अनेक पुस्तकें पढ़ी। इसी दौर में विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह धरती अब भी घूम रही है पढ़ने को मिला। आवारागर्दी करने वाला राजू गंभीर पाठक बन गया। जयदेव जी ने एक दैनिक नवभारत टाइम्स, साप्ताहिक हिंदी टाइम्स, जनयुग जैसे अखबार शुरू कर दिए थे। जब गुरुजन पढ़ लेते तो चुपके से मैं इन्हें बस्ते में छुपा कर घर ले जाता और रात को लालटेन के प्रकाश में पढ़ता। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ता। मंडी और सोने चांदी के भाव भी। मैंने खेलना कूदना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि होली दिवाली के अवसर पर होने वाले सांग गिंदड़ चंग बजाना आदि भूल गया। जब देखो अखबार या पुस्तकों में खोया रहता। इस पर माँ को दूसरी चिंता हो गई। एक बार मेरे ससुर आए तो बोली, ये राजू क्या सन्यासी बनेगा, जब देखो किताबों में खोया रहता है, ये खेलने कूदने की उम्र है, ये क्या बनने जा रहा है। सिंहावलोकन के तीनों भागों को एक बार ही पढ़ने से जी नहीं भरा। एक दिन मौका देखकर मैं यशपाल की 8-10 पुस्तकें लाइब्रेरी से चुरा कर ले गया। तब सिंहावलोकन का प्रतिदिन गीता की भांति पाठ याद करने लगा। उसमें मुझे स्मरण हो गया था कि कौन सा प्रसंग कौन से भाग के किस पृष्ठ पर है। रात को सपने आते कि मैं क्रांतिकारी बन गया हूँ और पुलिस मुझे तलाश कर रही है। यही नहीं, स्कूल आते जाते खेदड़ी पिपल नीम आदि के दरख्त से ऊंचाई से कूदकर दुस्साहस का परिचय भी देते। हम 3-4 सहपाठियों ने एक दूसरे के नाम भगत सिंह, आज़ाद, यशपाल रख लिए थे। मेरा साहस इंदौरा मारने लगा। उस दिन मैंने समय पूर्व कक्षा में आकर
ब्लैक बोर्ड पर ताक से लिख दिया क्या कांग्रेस सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति हो सकती है। सभी छात्र इस प्रश्न को पढ़ने लगे, किसी को पता नहीं था कि ये मैंने लिखा है। प्रथम पीरियड जयदेव जी का ही था, आते ही उन्होंने बोर्ड पर लिखे प्रश्न को पढ़ा और डस्टर से मिटा डाला। तत्पश्चात सभी छात्रों से एक साथ पूछा, किसने लिखा है? कहा तो मैं भगत सिंह बनने की तैयारी कर रहा था। यह प्रश्न सुनकर जैसे मैं अपनी सीट पर दुबक गया। मेरी नज़रें नीची थी, किंतु यह लग रहा था कि सभी छात्र मुझे ही घूर रहे हैं। जयदेव जी ने पुनः पूछा, किसने लिखा है, हाथ खड़ा करे। मैं सोचने लगा कि अब पिटाई हो सकती है, सारा संकोच छोड़ हाथ खड़ा कर दिया। जयदेव जी ने हाथ नीचे करने का इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, ऐसे प्रश्न बोर्ड पर नहीं लिखने चाहिए, प्रशासन वैसे भी मेरे खिलाफ है। आपको कोई जिज्ञासा हो तो पर्ची पर प्रश्न लिख कर पूछो। मेरे जान में जान आई, उन्होंने कहना प्रारंभ किया, अब लोकतंत्र है, वोट के द्वारा सरकार बदली जा सकती है, इसलिए हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोकतंत्र असफल हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन क्रांति हमेशा जनता के द्वारा हो तभी सफलता मिलेगी। भगत सिंह ने भी बाद में यही सोच तय किया था। उन्हीं दिनों वामपंथियों ने जिला मुख्यालय से रावण नामक एक साप्ताहिक अखबार प्रारंभ किया था। जयदेव जी इसके संरक्षकों में से एक थे। गाँव में राहुल बहुत लोकप्रिय हुआ। जयदेव जी ने दो गाँवों में 15-20 ग्राहक बनाए थे। हम लोग राहुल की प्रतीक्षा करते रहते, दिन रात पढ़ने का परिणाम यह रहा कि मैंने एक लेख लिखकर राहुल को भेज दिया। लेख का शीर्षक था, जमाने के साथ बढ़ना होगा। लेखक के नाम से नाम के स्थान पर लिखा था राजेंद्र सिंह आज़ाद। आज़ाद लिखने के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद से जोड़ने की भावना थी। कुछ समय पश्चात एक दिन जयदेव जी राहुल का ताज़ा अंक लेकर कक्षा में आए। बड़े उत्साह से उन्होंने कहा, क्या हाल है राजेंद्र सिंह आज़ाद, तुम्हारा लेख छप गया है। संपादक की टिप्पणी भी थी, लेखक 8वीं कक्षा के किशोर छात्र हैं। स्वयं को विशेष समझने लगा। एक दिन संस्कृत के अध्यापक शर्मा जी ने एकांत में बुलाकर लेख में छपे कुछ शब्दों के अर्थ पूछे, जैसे पूंजीवाद, सरमाएदार, इदारेदार किसे कहते हैं। मैंने जवाब दे दिया, उनका ख्याल था कि जयदेव जी ने मेरे नाम से लेख लिखा है। मुझे समझाया, तुम कोर्स की किताबें पढ़ो, ऐसी वैसी किताबें पढ़ने से क्या मिलेगा, तुम अभी से कम्युनिस्ट बन रहे हो, नौकरी नहीं मिलेगी, भूखे मरोगे। किंतु मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, 8वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया। 9वीं पढ़ते समय यशपाल जी को एक पत्र लिखा, क्रांतिकारी और लेखक के रूप में वह मेरे आदर्श थे। पत्र में मैंने उन्हें लेनिन माना और स्वयं को स्टालिन। उस दिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ अंतर्देशीय पत्र प्राप्त किया। यशपाल जी ने मेरी लिखने की प्रवृत्ति की प्रशंसा की और साहस से शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। इसी पत्र को मैंने वर्षों तक संजो कर रखा। बड़ी इच्छा थी कि विपुल कार्यालय में उन्हें लिखते हुए देखूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। किताबों के संसार में ऐसा खोया कि गृहस्थी से बिल्कुल कट गया। किसी शादी में भी नहीं जाता, पत्नी को पिताजी हिलाते, यह चर्चा होने लगी कि यह छोरा तो पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है, बीनली से भी बात नहीं करता। ऐसे भी अवसर आए जब पत्नी 10-12 दिन हमारे घर रहकर अपने पियर चली जाती और मैं कस्बे की स्कूल से घर नहीं आता। गर्मियों की छुट्टी में मैंने उस दिन गोरकी की माँ एकांत में पढ़ रहा था। घर में कोई समारोह था, मेहमान आए हुए थे। मेरी अनुपस्थिति देख माँ ने कहा, यो छोरो तो काम से गयो। 10वीं में हिंदी शुभकर्ण जी शर्मा पढ़ाते थे। एक निबंध पढ़कर वे बहुत प्रभावित हुए।
बोले मैं तो समझ रहा था ये डांट का थोड़ा हल चलाएगा, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, कहकर उन्होंने ठहाका लगाया। वे स्वयं महाभारत पर कोई खंड काव्य लिख रहे थे। दसवीं बोर्ड की परीक्षा के केंद्र उस समय जिला मुख्यालय पर था। परीक्षा देने हमें वहाँ जाना था। जाने से पहले दिन मैं शुभकुंड जी से मिलने गया। वे एक पुस्तक लाए और कहा, यह पुस्तक अच्छी है लेकिन अब तो तुम्हारी परीक्षा आ गई। संतोष सिपाजी नमस्कार। पुस्तक को मैंने देखा, पंजाबी लेखक नानक सिंह की एक म्यान दो तलवारें थी। मेरी आंखें चमक उठी, पुस्तक ले आया। लालटेन की रोशनी में जब अन्य सहपाठी कोर्स की किताबें पढ़ रहे थे, मैं एक म्यान दो तलवारें पढ़ने लगा। पूरी पुस्तक पढ़कर ही सोया। तब पता लगा कि अमर शहीद करतार सिंह सराफा को नायक मानकर ये उपन्यास लिखा गया था। करतार सिंह को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। सुबह पुस्तक लौटाने गया तो शुभकर्ण जी ने मेरी लाल आंखें देखकर कहा, कल तुम्हारी परीक्षा है, इस पुस्तक को भूल जाओ। मैं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में पास हुआ। एक म्यान दो तलवारों को आज तक भी नहीं भूल पाया हूँ। कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों का भंडार था। यहीं पर मैंने अमृत राय की कलम का सिपाही पढ़ी। लेकिन कॉलेज जीवन तीन में नहीं चला। उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा था। सब कुछ भूलकर सेना में भर्ती हो गया। लेफ्ट राइट दाएं बाएं मुड़ आदि सुनते सुनते सिर पीट लिया कि कहाँ आ फंसा। पढ़ने की बीमारी फिर लग गई। दोपहर खाना खाने के पश्चात अन्य जवान आराम करते और मैं वाचनालय में पत्र पत्रिकाएँ पढ़ता। पुस्तकालय से किताबें लाकर बैरिक में रात को भी पढ़ता। एक दिन हवलदार इंचार्ज ने फटकारा, ऐ लाइट बंद करो, पढ़ना ही था तो फौज में क्यों आया। पढ़ने की भूख को सख्त परेड भी कम नहीं कर पाई। साथ ही इस उधेड़पुन में लग गया कि कैसे यहाँ से पीछा छूटे। कोशिश करते रहने के बावजूद फौज से आने में 5 वर्ष लग गए। फौजी जीवन के खट्टे मीठे अनुभव याद करता हूँ तो मज़ा आता है। पुस्तकों में खोए रहने के कारण एक हरियाणा के सूबेदार मुझे फिलासफर पुकारते। फौजी गतिविधियों में अव्वल दर्जे का फिसड्डी माना जाता था। मैं छुप करके स्वाधीनता ब्लिट्स जैसे अखबार फौज में जो मंगाए नहीं जाते थे, मैं अलग से मंगाता था व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर। एक दिन हेड क्लर्क ने, जो केरल के थे, मुझे झिड़का, ऐसे अखबार क्यों पढ़ते हो, क्या तुम कम्युनिस्ट हो। अखबार बंद करने पड़े। उन्हीं दिनों यशपाल जी का एक लेख धर्मयुग में छपा था, तथ्यों का गोलमाल, चंद्रशेखर आजाद के प्रति विश्वासघात किसने किया था। ये लेख मैं चोरी से धर्मयुग से फाड़ लाया। काफ़ी वर्षों तक ये पन्ने मेरे पास सुरक्षित रहे। कमांडिंग अफसर की बेटी को एक लेख लिखकर दिया था जिससे वह अपनी कॉलेज में प्रथम आ गई। फोन से हम दोनों बातें करते थे। अन्य सिपाहियों को बहुत अचरज होता था। फौज की नौकरी छोड़कर आया तो पूरा गांव में मजाक करने लगा, क्यों किताबों से पेट भर जाएगा। उन्हीं दिनों दिन में खेत में रहता और रात को लालटेन की रोशनी में अपनी प्रथम कृति लिखी, क्रांतिकारी भगवती बाई। दिल्ली के एक प्रकाशक ने इसे प्रकाशित किया। जिला मुख्यालय पर स्थित लाइब्रेरी में पुस्तकों का भंडार था। इसी कारण मुख्यालय पर एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगा। आटा घर से ले आता था, सुबह शाम लाइब्रेरी जाता और दिन में एक उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। यहीं पर सारिका, दिनमान जैसी पत्रिकाएं पढ़ने को मिली। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी आदि लेखकों के अतिरिक्त बंगला लेखक सर्थ, विमल मित्र आदि लेखकों के उपन्यास पढ़ने को मिले। इसी दौर में मैंने प्रथम कहानी भूख लिखी थी जो 1974 में सारिका में छपी। इसी बीच एक
इसी बीच डाक विभाग में नौकरी लग गई। नौकरी के साथ साथ बीए एलएलबी की परीक्षा पास की। जहाँ भी रहा लाइब्रेरी में जरूर जाता। राज्य स्तर के अखबारों में लेख और कहानियाँ छपने लगी। इस पढ़ने और लिखने की बीमारी ने डाक विभाग की नौकरी भी नहीं करने दी और 11 साल पूर्व ही ऐच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। वकालत शुरू की, लेकिन वहाँ का जो हाल देखा, मुवक्किलों की जेब कटते देखता तो रोना आता। आखिर एक दिन चुपचाप दोपहर को कोर्ट को अलविदा कहकर चला आया। 10 वर्ष से निरंतर लिख और पढ़ रहा हूँ। प्रारंभ में लोग कहते आप लेखक हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप काम क्या करते हैं? सुनकर दुख होता कि लेखन को ये लोग काम ही नहीं समझते। अब जब दशेक पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं तो कम से कम ये तो नहीं पूछते कि आखिर मैं करता क्या हूँ। डॉक्टर घासीराम वर्मा मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने मेरी अधिकांश पुस्तकें प्रकाशित करवाई। स्थानीय पाठकों का मुझे अच्छा सहयोग मिला। मुझे गर्व होता है जब पाठक सिर्फ मेरी पुस्तकें खरीदने आते हैं। मेरा उपन्यास नैरा पाठ बोलता एक वर्ष में प्रथम संस्करण खत्म हो गया। अनेक महिला पुरुष पाठकों ने फोन द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं बताई, इससे अच्छा तो लगता ही है। मैंने कभी पढ़ा था कि मोहन राकेश ने अपनी पत्नी अनीता को कहा था कि उन्हें सबसे प्रिय पुस्तकें ही लगती हैं, पत्नी का नंबर बाद में है। मेरी अनपढ़ पत्नी अक्सर अपनी सहेलियों से कहती है इन्हें किसी बात का पता नहीं है, बस अपनी किताबों में खोए रहते हैं। यह सच है कि पुस्तक प्रेम और लेखन ने मुझे कोई नौकरी नहीं करने दी, वकालत नहीं चलने दी। अन्याय, भ्रष्टाचार, झूठ, अनैतिकता, सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि के विरुद्ध डटकर लिखने का साहस दिया है। जब भी किसी अच्छी पुस्तक पर नज़र पड़ती है तो खरीद लेता हूँ। सन 1987 से हंस का नियमित पाठक हूँ। पुस्तकों ने कितना बिगाड़ा कह नहीं सकता, लेकिन बेईमान, झूठे वासाल और भ्रष्ट लोग बचकर निकलते हैं। छोटे से मकान में रहता हूँ, लेकिन कोठियों के मालिकों से इज्जत ही मिली है। ये इसमें मेरा काफ़ी संक्षेप में आ गया। इसके अलावा कुछ मैं आपको और बताऊं कि आठवीं क्लास पास करने के बाद में मेरी ये इच्छा थी कि अपने सीधी प्राइवेट दसवीं परीक्षा देते हैं ताकि एक साल में दो कक्षाएं पूरी हो जाए। तो इसलिए मैं शुरू एक प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन ले लिया और उसके निकट ही बहन का ससुराल था तो वहाँ आना जाना करता था। वहाँ अधिकांश लड़के ऐसे थे जो दसवीं फेल थे या जो नौकरी करते थे और जिनको दसवीं पास करनी ज़रूरी होती थी, वो लड़के होते थे। पढ़ते कम थे, आपस में चर्चा ज़्यादा होती थी। एक दिन मैंने एक लड़के की वहाँ घड़ी पड़ी थी तो वो चुरा ली और उसके बाद में कानाफूसी शुरू हुई। जो परिस्थितियाँ ही थी उनसे पता लगा, उनसे ये विश्वास लोगों को हो गया कि ये घड़ी मैंने ही चुराई है। मैं रात को तो गांव में आ गया, लेकिन रात को चैन नहीं पड़ा कि मैंने ये चोरी करके बहुत गलत काम किया। और दूसरे दिन मैं चुपचाप घड़ी वहाँ रख के आ गया और फिर कोचिंग से भी आ गया। और वहाँ से आ करके मैंने 9th क्लास में अलसी सर में एडमिशन लिया। मेरा सामान वहाँ था तो मैं उसको जाने के बाद में गया तो वो जो हमारे शिक्षक थे उनके एक बुढ़ी माँ थी। शिक्षक जो अध्यापक थे उन्होंने भी, उनको पता लग गया था कि इसने घड़ी रखी है, अब अपनी शर्म की वजह से यहाँ नहीं रहेगा। तो उन्होंने तो कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम सामान ले जाना चाहते हो तो ले जाओ।
लेकिन तभी उनकी माँ आ गई और वो बहुत रोने लग गई। पता नहीं उनका कैसा स्नेह, जो यूपी की थी, कोई जाति भी हमारी एक नहीं थी, वो जो उनका स्नेह मैंने उस दिन देखा वो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कोशिश बहुत की कि मैं वहीं रह करके पढूं, लेकिन मुझे इतनी शर्म थी उसकी कि मैं यहाँ अपराधी हूँ और पढ़ नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं मेरा सामान लेके अलसीसर में चला गया। अलसीसर में पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हॉस्टल था। नाइन्थ क्लास के बाद में दसवीं में मैं बोर्ड वहाँ हॉस्टल में रहने लगा और वहाँ उस टाइम मुझे हॉस्टल का मॉनिटर भी चुन लिया गया और डिबेटिंग क्लब जो होता था स्कूल का, उसका भी सचिव मुझे बनाया गया। उस दौर में भी हमें यह ख्याल रहता था कि हॉस्टल की डाइट अधिक नहीं है, इसलिए हम पूरी कोशिश करते थे कि जो आटा है या सब दाल है इसकी बिल्कुल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हमने कोशिश खूब की चौकसी तो 37 पैसे प्रति डाइट आई हॉस्टल का खर्चा, और स्कूल का सेठ भी आया हुआ था उस टाइम, तो उनको जब पता लगा कि हॉस्टल में प्रति डाइट 37 पैसे आए हैं तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बुलाया सबके सामने और बताया कि हम कलकत्ता में तो 30 पैसे की चाय मिलती है, यहाँ 37 पैसे की डाइट रख दी। तो उन्होंने भी मुझे फिर बहुत सराहना की और पुरस्कृत किया। तो उस दौर में भी हम ये सोचते रहते थे कि गांव के जो लड़के आते हैं उनके जो खर्चा है वो कम से कम आना चाहिए। अभी मैंने चर्चा मिलिट्री की भी की है, तो मिलिट्री में जब भी मैं रहता था तो पढ़ने की लत का उन सबको पता लग गया था, कमांडिंग अफसर को भी पता था, उन्होंने मुझे ड्यूटी भी बहुत आसान दे दी थी। और तभी मैंने यूपी से इंटर की परीक्षा देने के लिए प्राइवेट फार्म भरने के लिए कॉलेज में गया, वहीं कमांडिंग अफसर की लड़की भी पढ़ती थी, उनसे परिचय हुआ और उनको मैं जब भी वो किसी निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेती या वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेती तो मैं निबंध या भाषण लिख के देता था और उसमें उनका फर्स्ट या सेकंड जो भी है नंबर पड़ता, तो उनके घर पर भी आना जाना मेरा शुरू हो गया था, हम साथ में पिक्चर भी जाते थे। मैं जब भर्ती हुआ तो उसमें मैरिड या अनमैरिड होता तो उसको दिखाना पड़ता है कि मैं मैरिड हूँ। मुझे संकोच था कि इस उम्र में शादी हो गई, फौज में मैं जैसे 17 साल या 17-18 साल का गया, तो मैंने शादी का जो कॉलम है उसको छुपा दिया। तो जो मेरी पढ़ाई की लगन और वो देख करके मुझे वहाँ जो अवसर मिलते हैं लेफ्टिनेंट के लिए परीक्षा दिलाने में, तो उसमें हम दो तीन लड़कों को साथ में मुझे भी सिलेक्ट कर लिया गया और हमारी कोचिंग शुरू हो गई। और इधर घर उसका जो बंगाल के थे कमांडिंग अफसर, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या देखा होगा, लेकिन उन्होंने घर वालों को कह दिया कि मैं इसको अफसर बना दूंगा और इसकी मैं शादी भी कर दूंगा। घर वालों ने सहमति दे दी जबकि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो बाद में जब अफसर ने मुझे बुला के ये कहा कि मैं ये तैयारी अच्छी करो और लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हें ये अपनी लड़की का नाम बताया कि इससे शादी करनी है, तो मैंने कहा कि मैं तो मैरिड हूँ, तो उन्होंने माना नहीं कि घर वालों ने भी तुम्हारा हाँ कर दिए, घर वालों ने भी, और तुमने लिखाया भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं तो था ही शादीशुदा और वो इससे नाराज हुए और मेरा वहाँ से तबादला कर दिया। बाद में वहाँ से मैं डिस्चार्ज लेके आ गया। एक गंगानगर का मैं आपको बताऊँ, बहुत ही
दर्द भरा किस्सा ही समझिए इसको। वहाँ कितना टाइम है, कुछ समय है शायद लग रहा है मुझे। वहाँ एक मैं लॉ में भी पढ़ता था, मॉर्निंग क्लास LLB में भी, और जिस मकान में रहता था उसमें एक BM पढ़ने वाली लड़की थी, उसका किसी अन्य लड़की से लव चल रहा था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। उसने मुझे कहा कि मैं भागना चाहती हूँ घर से और मेरी मदद करो। तो मैं बड़ा घबराया पहले तो, क्योंकि उसके परिवार से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और मुझे लगता था कि इस लड़की को मैं सहयोग करूँगा तो परिवार के साथ धोखा होगा। लेकिन वो लड़की ने 2-3 बार मुझसे आग्रह किया और वो रोने लग गई। तो हमने एक लड़का और मैंने ये संकल्प लिया कि भाई चलो इसको भगाने में अपनी मदद करते हैं। और उन्हीं दिनों सारिका में कमलेश्वर की सेंस में आ रहे थे, तो कि मोहन राकेश ने अनीता से शादी की थी, उन्होंने बड़ी मदद करी। तो वो भी मेरे एक दिमाग में ये था कि जब ये लोग कर सकते हैं तो अपने इस लड़के की क्यों नहीं मदद करें। तो हमने उसको भगाने में सहयोग किया, उनकी व्यवस्था की, और उसके बाद उनके घर वालों को पता लगा तो उन्होंने मुझ पर भी मुकदमा किया नाबालिग लड़की को भगाने का, और जेवरात वगैरह चोरी कराने के मुकदमा उस लड़के के खिलाफ़ भी और मेरे खिलाफ़ भी कर दिया। तो मैं छुट्टी लेके कुछ दिन गायब रहा और फिर अग्रिम जमानत ली, और उसके बाद में वो लड़के लड़की उन्होंने अलग आर्य समाज में शादी कर ली और वो वापस पेश हुए, तब वो मुकदमा मेरे से हटा। इस दौर में मुझे डाक विभाग के कर्मचारियों को बहुत सहयोग मिला, क्योंकि मकान मालिक हैं वो कमरा खाली नहीं करने दे रहे थे, तो हमारे डाक विभाग के 15-20 आदमी गए और मेरा सामान ले आए। इस तरह से उन्होंने मुझे बहुत मदद करी। और उस एक जो मैंने जो कदम लिया था वो उस टाइम सफल तो हो गया, लेकिन बाद में मैंने सुना कि डिलीवरी के टाइम उस लड़की की डेथ हो गई, तो मुझे एक अपराध बोध सालता रहा कई दिनों तक कि मैं भी इसमें एक भागीदार हूँ, और अगर अपने मैं इसमें सहयोग नहीं करता तो शायद ये लड़की यहाँ नहीं बह जाती और बच जाती। इस तरह का ये दूसरा किस्सा आपके सामने है। अभी समय है क्या देवेंद्र जी? देवेंद्र जी और बोल सकता हूँ? शायद है तो मैंने कुछ बातें मुझे ये बताया गया। अच्छा तो ये रहता कि कोई वार्ता होती तो शायद कुछ बातें ज़्यादा आ जाती, अपने बारे में ज़्यादा बताने का हो नहीं रहा है। समय है और इस तरह से मैं बताऊँ आप, ये जो नेहरा पाठ बोलता है उसके काफ़ी यहाँ शेखावाटी अंचल में ये लोकप्रिय हुआ। तो एक दिन मैं जयपुर से बस में आ रहा था और जब किताब अटैची में कुछ कपड़े वगैरह निकाल रहा था, नेहरा पाठ की एक प्रति थी वो बाहर आ गई, तो एक महिला मेरे पास बैठी थी, उन्होंने वो नेहरा पाठ देख करके उन्होंने पूछा कि क्या इसके लेखक को आप जानते हो? तो मैंने कहा कि क्या बात हुई? बोलिए ये जो उपन्यास है ये बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं इस लेखक से मिलना चाहती हूँ, तो आप जानते हो क्या? जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं ही हूँ,
तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो देखा कई कई देर तक मुझे, और फिर उन्होंने कहा कि लेखक ऐसे ही होते हैं क्या। तो मुझे बहुत हंसी आई। और कई बार महिलाओं के पुरुषों के फोन भी आए जो उनके मार्मिक प्रसंग हैं उसको पढ़ करके उन लोगों के वो रुंधे गले से फोन करते हैं कि ये प्रसंग मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे आंसू आ गए हैं, आपने ये क्या लिख दिया। तो इस तरह की जब बातें सुनने को मिलती हैं तो यूँ लगता है कि जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो ठीक लिख रहा हूँ। छपने प्रकाशित होने का या आगे मेरा एक और बहुत सोच है कि लेखक को उसकी लेखनी के माध्यम से जाना जाना चाहिए। वो नेता नहीं होता है कि किसी मंच पर आगे बढ़ के भाषण दे या अपने आप को प्रदर्शित करे, और उसकी रचना पर उसके लेखन पर बहस होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। और मेरा तो ये सोच है कि वो पीछे कहीं दूर बैठ करके सुने, यही मेरे ख्याल से गरिमा पूर्ण होता है। अभी मैं जो संस्मरण है, मैंने अभी कटघरे में नाम से संस्मरण लिख रहा हूँ, किताब के रूप में शीघ्र ही प्रकाशित कराने का विचार है, जिसमें मैंने गांव का जो पुराना जीवन है और गांव में किस तरह से हम रहते थे, किस तरह लोग रहते थे, उस सारे प्रसंग ब्याह शादी के त्योहारों के लेकर के एक संस्मरण की लेखमाला फेसबुक पर मैंने डाली है कुछ शॉर्ट में, और उसको पुस्तक रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मुझे लगता है कि समय हो गया है। आप सब ने मेरी बातें सुनी, सबका आपका आभार। और देवेंद्र जी जोशी जन सरोकार मंच टोंक के प्रति पुनः एक बार कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। नमस्कार।